गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में आप लोग को कौन के मिरर में मिरर फार्मूला प्रूफ किया था और इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था और साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया था कि साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बाबू वो है लिनियर मैग्नीफिकेशन। क्या बाबू? लिनियर मैग्नीफिकेशन। तो लिनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? हेडलाइन इधर डालिए। लिनियर मैग्निफिकेशन। तो लिनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बाबू? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। क्या होता है? तो देखो लिनियर मैग्निफिकेशन होता है क्या है बाबू? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लिनियर मैग्निफिकेशन। क्या कहलाता है? लिनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। लिनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। तो मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू होगा क्या? मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू होता क्या है बाबू? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट को क्या कहते हैं? लिनियर मैग्नी फिकेशन कहा जाता है। तो m इक्वल टू होता क्या है? h2 अपॉन h1। ये आपका क्या होता है? लिनियर मैग्निफिकेशन होता है बाबू। आप बताइए ये तो लिनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट को क्या के रेशियो को क्या कहा जाता है? रेशियो ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट आर नोन एज लिनियर मैग्नी कोई दिक्कत बाबू? नहीं। अब देखिए अब हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम लिनियर मैग्निफिकेशन को प्रूफ कैसे करेंगे बाबू? एक्सप्रेशन ऑफ लिनियर मैग्निफिकेशन फिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। कौन मिरर बाबू? कॉनकेव मिरर। अब एक
अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बाबू ए बी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसे हम एच वन मान लेंगे, एडेस बीडेस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, इक्वल टू एच टू हो जाएगा, पी बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, और इमेज हाइट को क्या मान लेंगे बाबू, इमेज है ना, इमेज को माइनस एच टू मान लेंगे, और इमेज डिस्टेंस तो देखिए बाबू ये जो इमेज की डिस्टेंस है, ये जो आपका इमेज डिस्टेंस है, पोल से कहां जा रहे हैं, पोल से इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहे हैं, देखो बाबू आपका इंसिडेंट रे ए है और आपका इमेज इस साइड बन रहा है, यानी पोल के अगेंस्ट में बन रहा है, ये आपका मिरर है और मिरर के अगेंस्ट में आपका ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और ये फोकस हुआ, और आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो जब इमेज यहाँ पे बन रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, अपोजिट हो जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या है, अपोजिट है, इसे भी क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को भी माइनस यू लेंगे, क्यों, क्योंकि पोल से ऑब्जेक्ट किस साइड है, अगर ये पोल है बाबू और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ये पोल है, तो डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं तो पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस यू हो जाएगा, तो इमेज डिस्टेंस भी माइनस भी, और पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, तो इमेज का भी पोल से मेजर करते हैं बाबू। अब देखिए बाबू इन ट्रायंगल ए बी ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी में, देखिए बाबू ए डैश बी डैश पी एक ट्रायंगल ए बना बाबू, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी क्या बना, एक ट्रायंगल बना, बना ना, एक ट्रायंगल ऐसे बना, एक ट्रायंगल ऐसे बना, ए डैश हुआ, ए बी डैश हुआ, पी हुआ, इसे हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं बाबू, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ये क्या है, डॉटेड लाइन है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल ए है बाबू, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका पी है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो एंगल ए डैश बी डैश पी इक्वल टू एंगल ए बी पी 90 डिग्री, और देखिए एंगल ए पी बी, ये एंगल क्या है, आर है, और ये एंगल क्या है, आई है, तो एंगल ए डैश पी बी डैश इक्वल टू एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे बाबू, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, पी बी डैश अपॉन पी बी, कोई दिक्कत नहीं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी हो जाएगा। अब बताओ बाबू ए डैश बी डैश को क्या लिखे हैं, माइनस एच टू, ए बी को क्या लिखे हैं, एच वन, अब बताइए बाबू पी बी डैश को क्या लिखे हैं, माइनस बी माइनस यू, तो क्या आ गया बाबू, ध्यान दीजिए आ क्या गया,
और आपको बतलाया गया था बाबू, ध्यान दो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, वी अपॉन यू बन जाएगा। अब देखिए एच टू अपॉन एच वन को हम एम कहे थे, एच टू अपॉन एच वन को क्या कहे थे, एम कहे थे, तो माइनस एम इक्वल टू वी अपॉन यू, तो एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, वी अपॉन यू हो जाएगा। एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख दो सबसे सिंपल वे में, एच टू अपॉन एच वन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, कोई दिक्कत, तो एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, एक तो ये हो गया, और एक हो गया बाबू एम इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन, ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्या किए, ए बी पी ए डैश बी डैश को क्या बना दिए, सिमिलर बना दिए, और वहां से ए डैश बी डैश और ए बी, देखिए बाबू ए डैश बी डैश ये परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो, और पी बी डैश इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का रेशियो को इक्वल कर दिए, तो मुझे आ गया। तो आपका क्या था, लिनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया बाबू, क्या बन गया, लिनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब देखिए बाबू, अब जो पढ़ा रहे हैं बाबू, अब रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, देखिए बाबू रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर आर एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर का हमें क्या फाइंड करना बाबू, रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए प्रूफ करने के लिए बताते हैं बाबू कैसे प्रूफ करेंगे। ये जो हम प्रूफ किए थे बाबू कॉनवेक्स मिरर में किए थे, ये कॉनकेव मिरर में करेंगे। तो ध्यान दीजिए एक मिरर लेते हैं बाबू, क्या लेते हैं, एक मिरर, ये पोल हो गया बाबू प्रिंसिपल एक्सिस, एम और एन क्या हो गया बाबू मिरर हो गया, एम एन क्या हो गया मिरर हो गया बाबू, तो आप जानते हो ए इसका फोकस हुआ, ए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए बी, ए बी एक रे हुआ बाबू जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, विच
क्रॉस द विच पासेस थ्रू द फोकस, कहां से पास करेगा बाबू? फोकस से पास करेगा। और अगर फोकस से पास करेगा तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं बाबू, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया और ये एंगल आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया आर, एंगल आई हो गया और एंगल आर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, पोल से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ये आपका फोकस लेंथ, फोकल लेंथ कहलाता है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है। आर इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है, ठीक है। अब देखिए बाबू, हमें क्या प्रूव करना है, तो हम कंसीडर ए कॉनकेव मिरर, कंसीडर ए कॉनकेव मिरर एम एन, एक ऑफ अ स्मॉल एपर्चर, ऑफ अ स्मॉल एपर्चर हुज फोकस, फोकल लेंथ हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकल लेंथ एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सी है, और फोकल लेंथ आपका क्या है? एफ है। कोई दिक्कत? एंड फोकल लेंथ नहीं बाबा, एंड फोकस एफ, फोकल लेंथ नहीं, एंड फोकस एफ। ए डैश बी डैश इज द AB is the ray of incident light, AB क्या है? Incident light है, ray of क्या है? Incident light है, ray of light AB is the ray of light incident at point B and C, incident point at B and C, B और C पर क्या कर रहा है? B और C पर incident कर रहा है। कहाँ incident कर रहा है बाबू? B पर, incident at point B and and is traveling parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, किसके axis होता है? Principal axis के parallel होता है।
आफ्टर रिफ्लेक्शन After reflection, this ray passes through the focus F. Focus F से cross करती है. Let F be the focal length and R be the radius of curvature. R क्या है बाबू? Radius of